नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। कहानी राजा पृथु की। ध्रुव के वनगमन के पश्चात उनके पुत्र उत्तपी को राज सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन वे ज्ञानी एवं विरक्त पुरुष थे, अतः प्रजा ने उन्हें मूढ़ एवं पागल समझकर राजगद्दी से हटा दिया और उनके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजगद्दी पर बैठाया। उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने लंबी अवधि तक शासन किया। उनके ही वंश में एक राजा हुए अंग, उनके यहाँ वैन नाम का पुत्र हुआ। वैन की निर्दयता से दुखी होकर राजा अंग वन को चले गए। वैन ने राजगद्दी संभाल ली। अत्यंत दुष्ट प्रकृति का होने के कारण अंत में ऋषियों ने उसे शाप देकर मार डाला। वैन के कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। तब राजा पृथु का जन्म हुआ। ध्रुव के वंश में वैन जैसा क्रूर जीव क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानने की इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। अंग राजा ने अपनी प्रजा को सुखी रखा था। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय देवताओं ने अपना भाग ग्रहण नहीं किया क्योंकि अंग राजा के कोई संतान नहीं थी। मुनियों की कथानुसार अंग राजा ने उस यज्ञ को अधूरा छोड़कर पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा यज्ञ किया। आहुति देते समय यज्ञ में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने राजा को खीर से भरा एक पात्र दिया। राजा ने खीर का पात्र लेकर सूंघा, फिर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस खीर को ग्रहण किया। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, किंतु माता अधर्मी वंश की पुत्री थी, इसी कारण वह संतान अधर्मी हुई। इसी अंग राजा का पुत्र वैन था। वैन के वंश से राजा पृथु की हस्तरेखाओं तथा पांव में कमल चिन्ह था, हाथ में चक्र का चिन्ह था। वे भगवान विष्णु के ही अंश थे। ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक करके सम्राट बना दिया। उस समय पृथ्वी अन्नहीन थी, प्रजा भूखी मर रही। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु अति दुखी हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि पृथ्वी माता ने अन्न औषधि आदि को अपने उदर में छिपा लिया है, तो वे धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने दौड़ पड़े। पृथ्वी ने जब देखा कि अब उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो वह राजा पृथु की शरण में आई। जीवन दान की याचना करती हुई वह बोली, मुझे मारकर अपनी प्रजा को सिर्फ जल पर ही कैसे जीवित रख पाओगे। पृथु ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाना अवश्य ही अनुचित है, लेकिन जो पालन करता अन्य प्राणियों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है, उसे दंड अवश्य ही देना चाहिए। पृथ्वी ने राजा को नमस्कार करके कहा, मेरा दोहन करके आप सब कुछ प्राप्त करें। आपको मेरे योग्य बछड़ा और दोहन पात्र का प्रबंध करना पड़ेगा। मेरी संपूर्ण संपदा को दुराचारी चोर लूट रहे थे, अतः मैंने वे सामग्री अपने गर्भ में सुरक्षित रखी है। मुझे आप समतल बना दीजिए। राजा पृथु संतुष्ट हुए। उन्होंने मनु को बछड़ा बनाया एवं स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी का दोहन करके अपार धन धान्य प्राप्त किया। फिर देवताओं तथा महर्षियों को भी पृथ्वी के योग्य बछड़ा बनाकर विभिन्न वनस्पति अमृत सुवर्ण आदि इच्छित वस्तुएं प्राप्त की। उन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। पृथ्वी को समतल बनाकर पृथ्वी ने स्वयं पिता की भांति प्रजाजनों के कल्याण एवं पालन पोषण का कर्तव्य पूरा किया। राजा पृथु ने जो अश्वमेध यज्ञ किए, स्वयं भगवान विष्णु उन यज्ञों में आए, साथ ही सब देवता भी आए। पृथु के इस उत्कर्ष को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हुई। उनको संदेह हुआ कि कहीं राजा पृथु इंद्रपुरी ने प्राप्त कर ले। उन्होंने 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। जब इंद्र घोड़ा लेकर आकाश मार्ग से भाग रहे थे, तो अत्रि ऋषि ने उन्हें देख लिया। उन्होंने राजा को बताया और इंद्र को पकड़ने के लिए कहा। राजा ने अपने पुत्र को आदेश दिया। पृथु को मारने भागते हुए इंद्र का पीछा किया। इंद्र ने वेश बदल रखा था। पृथु के पुत्र ने जब देखा कि भागने वाला चट्टा झूठ एवं भस्म लगाए हुए है, तो उसे धार्मिक व्यक्ति समझकर बाण चलाना उपयुक्त न समझा। वह लौट आया, तब अतल मुनि ने उसे पुनः पकड़ने के लिए भेजा। फिर से पीछा करते पृथु कुमार को देखकर इंद्र घोड़े को वही छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। पृथु कुमार अश्व को लेकर यज्ञशाला में आए। सभी ने उनके पराक्रम की स्तुति की। अश्व को पशुशाला में बांध दिया गया। इंद्र ने छिपकर पुनः अश्व को चुरा लिया। अत्रि ऋषि ने ये देखा तो पृथु कुमार को बताया। पृथु कुमार ने इंद्र को बाण का लक्ष्य बनाया, तो इंद्र ने अश्व को छोड़ दिया और भाग गए। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता पृथु को चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषियों ने राजा को शांत किया और कहा, प्रति है यज्ञ के अतिरिक्त आप किसी का भी वध नहीं कर सकते, लेकिन हम मंत्र द्वारा इंद्र को ही हवन कुंड में भस्म किए देते हैं। ये कहकर ऋतविजों ने मंत्र से इंद्र का आह्वान किया।
वे आहुति डालना ही चाहते थे कि वहाँ ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सबको रोक दिया। उन्होंने पृथु से कहा, तुम और इंद्र दोनों ही परमात्मा के अंश हो, तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो, इन यज्ञों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा ये सुबह यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, चिंता मत करो, यज्ञ को रोक दो। इंद्र की पाखंड से जो अधर्म उत्पन्न हो रहा है उसका नाश करो। भगवान विष्णु स्वयं इंद्र को साथ लेकर पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उन्होंने पृथु से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यज्ञ में विघ्न डालने वाले इंद्र को तुम क्षमा कर दो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। तुम तत्वज्ञानी हो, भगवत प्रेमी, शत्रु को भी संभाव से देखते हो, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी जब इच्छा हो वह मांग लो। राजा पृथु भगवान विष्णु के वचनों से प्रसन्न थे। इंद्र लज्जित होकर राजा पृथु के चरणों में गिर पड़े। पृथु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। राजा पृथु ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, सांसारिक भोगों का वरदान मुझे नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे सहस्त्र कान दीजिए, जिससे आपका कीर्तन कथा एवं गुणगान चारों कानों से श्रवण करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति से मैं अभिभूत हूँ, तुम धर्म से प्रजा का पालन करो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा पृथु की अवस्था जब ढलने लगी तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर पत्नी अर्ची के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगे। अंत में तप के प्रभाव से भगवान ने चित्त स्थिर करके उन्होंने देह त्याग कर दिया। उनकी पतिव्रता पत्नी महारानी अर्ची पति के साथ ही अग्नि में भस्म हो गयी। दोनों समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।